मैं एक बार फिर आपके पास आना चाहूंगा। जरा ये बताएं कि एक व्यक्ति है जिसका वजन बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब वो एक वक्त पे सचेत हो गया है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, बाहर का खाना खाने से भी बच रहा है, मगर उसके बावजूद उसके वजन पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे लोगों की थाली कैसी होनी चाहिए या उनको क्या एक्स्ट्रा एफर्ट करने चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज एक मिथ है, मैं नहीं जानती कि कितने लोग अग्री करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे जने हैं जो व्रत करते हैं, महीनों महीनों व्रत करते हैं। हमारे काफी रिलीजन्स में होता है कि आप सिर्फ एक टाइम खा रहे हैं, आप 7 बजे तक खा रहे हैं, आप फिर भी देखेंगे ना वो लोग मोटे होते हैं। ठीक है, उसका रीजन क्या है? जब हम बहुत लंबे टाइम तक मील स्किप करते हैं, मेटाबॉलिज्म ड्रॉप हो जाता है। सेकेंड चीज, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने ना थोड़ी सी कैलोरीज खाई, मैंने पूरे दिन में सिर्फ 700 या 800 कैलोरीज खाई होंगी, मेरा वेट फिर भी नहीं जा रहा और मैं जिम में 800 कैलोरीज बर्न कर रहा हूं। अब इसका रीजन क्या है? देखिए, कुछ हद तक हमें ओवर ईट नहीं करना, कैलोरी कंजम्पशन का ध्यान रखना है, बट ईटिंग लेस कैलोरीज विल नेवर गिव यू अ वेट लॉस। हमें कैसा खाना खाना चाहिए? हमें वो खाना खाना चाहिए जो हमारी बॉडी धीरे धीरे डाइजेस्ट करे, जैसे कि हाई फाइबर फूड। हमारा पेट ज्यादा देर तक भरा रहेगा, हमारे ब्लड में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होगा, हमारे एनर्जी लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे, हमारा फैट बर्निंग ज्यादा होगी। तो फाइबर हम इसलिए लेते हैं क्यों? क्योंकि वो हमारे फैट को काटता है, फुल रखता है, और साथ में फाइबर होने की वजह से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बढ़ती है। अब बात आती है प्रोटीन की। प्रोटीन हमें कैसा लेना चाहिए? अगर हम प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ लेते हैं तो उसका मतलब है कि बॉडी दोनों में से एक चीज डाइजेस्ट करेगी और दूसरी चीज आपका फैट बना देगी। सो नो मैटर आप 100, 200, 300 कैलोरीज खा रहे हैं, लेकिन आप प्रोटीन और कार्ब, अगर एनिमल प्लांट प्रोटीन की बात कर रही हूं, आप कार्ब और प्रोटीन साथ में खा रहे हैं, आपका वजन नहीं जाएगा। तो आपको डाइटरी करेक्शन में क्या करना है कि आपको अगर कार्ब और प्रोटीन इकट्ठा खाना है ना, तो आप उसको दिन में खाइए। क्यों? क्योंकि दिन में आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, प्लस आपके पास पूरा दिन है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, प्लस यू नीड टू कीप अ चेक ऑन द पोर्शन साइज। आप स्प्राउट सैंडविच खा सकते हैं, आप स्प्राउट सैलेड खा सकते हैं, स्प्राउट्स का रोल खा सकते हैं, आप एग रोल खा सकते हैं, चिकन सैंडविच खा सकते हैं फॉर योर ब्रेकफास्ट। सो योर प्रोटीन एंड योर कार्बोहाइड्रेट। फैट भी लेना नाश्ते में जरूरी है, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज लाइक ब्रेकिंग योर फास्ट। यू हैव बीन स्लीपिंग द होल नाइट और आप अपनी पहली मील ले रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। कार्ब हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट की फॉर्म में आप चीज या मेयोनीज नहीं लेंगे, आप उसमें लेंगे थोड़ा सा ऊपर से घी लगाइए, नहीं तो थोड़ा सा पीनट बटर ले लीजिए, थोड़ा सा आप उसके ऊपर फ्लैक्स सीड्स डाल सकते हैं, पंपकिन सीड्स डाल सकते हैं एज अ सोर्स ऑफ गुड फैट। लंच की बात आती है, लंच में अगर आप वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं तो आप दाल और कर्ड में से एक चीज लेंगे, क्यों? अदरवाइज आपको ब्लोटिंग हो जाएगी। साथ में आप कोई भी फाइबर रिच रोटी ले सकते हैं, ब्रांड की, ज्वार की, ग्लूटेन फ्री रोटी आल्सो वर्क्स लाइक वंडर विथ फ्यू पीपल जिनका वेट स्टक अप है। स्टक अप वेट में ग्लूटेन फ्री डाइट्स वर्क लाइक वंडर्स। इवनिंग में आप कोई भी रोस्टेड स्नैक खा सकते हैं, भुने हुए चने ले सकते हैं, भुना हुआ बाजरा ले सकते हैं। लोग कंज्यूम करते हैं बहुत सारी क्वांटिटी में मखाने। मखाने लोटस सीड की स्टेम्स होते हैं, लोटस स्टेम की सीड्स होते हैं, उनमें कैलोरी ज्यादा होती हैं, बट दे आर वेरी हाई इन कैल्शियम, सो डोंट अब्यूज देम। यूज देम इन योर डाइट बट इन अ वेरी मॉडरेट अमाउंट। और रात को क्या खाना चाहिए? रात को अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप प्लांट प्रोटीन नहीं खाएंगे, आप घी की रोटी खाइए, आप मेथी की रोटी खाइए, आप रोटी सब्जी भी खा सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, बेस्ट इज टू हैव चिकन और फिश और अंडा, रेड मीट आप अवॉइड करिए। और हफ्ते में दो बार, कम से कम हफ्ते में दो बार डिनर में रात को सिर्फ दूध और फ्रूट लीजिए। एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि मिल्क इज अ मील,
लोग दूध खाना खाने के बाद भी लेते हैं, सोने से पहले मैं एक ग्लास दूध लेती हूँ, आपने डिनर भी किया, आपने दूध भी पिया, आप तो दो दो टाइम की मील ले रहे हैं. Milk is a complete food. So if you're taking milk, that is your meal. So in breakfast, if you want to have milk, take milk and cereal. That is it. So अगर आप एक रोटी के साथ दूध ले रहे हैं या आप रात को खाना खाने के बाद दूध ले रहे हैं, अगले दिन आपका वेट बढ़ जाएगा. बिल्कुल. So हमारी थाली इस तरीके से बननी चाहिए. बिल्कुल, बहुत अहम सलाह. और मेरे ख्याल से दूध को लेकर तो बहुत से लोगों के मन में ये बड़ी ही पहले से ये दिमाग में था कि खाना खाने के बाद दूध ले सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी ब्रेकफास्ट के साथ दूध ले सकते हैं. बहुत अहम सलाह दिव्या आपने दी.